जितना प्रेम करते हो तुम उससे, आपत्ति काल में उससे विपत्ति काल कर सतगुण निहाल और स्नेह बढ़ा देना चाहिए। ये सच्चे मित्र की पहचान है। प्रभु हम तो एक बात जानते हैं, मित्रता ऐसे कीजिए जैसे लोटा ढोर और अपना गला फसाए के पानी लावे। बिल्कुल बिल्कुल सही बात, तुम्हारी भी सही सोच है। सुनो मित्रता के लिए दोस्तो मेरे दोस्तो है अर्थ यही दोस्ती का, दोनों में दोस्त ना हो कोई, तन दो हो दो पर एक मन, ईर्ष्या या रोष ना हो कोई। दोस्तो मेरे दोस्ती के गीत मैं गाता हूँ, दोस्ती के गीत मैं गाता हूँ। दोस्ती क्या है तुमको सुना, सुन करके
हमें अत्यधिक दुख हो रहा है प्रभु, लेकिन आप चिंता ना करें, आपको मिथिलेश कुमारी अवश्य ही मिलेगी। मंत्र सहित यहाँ द्वारा बैठ रहे ने करते विचारा। प्रभु एक समय की बात है, मैं अपने मंत्रियों के शहर इसी जगह पर बैठा था। ऊपर को मेरी नजर गई तो एक नजारा देखा था, थारत की तरह विमान एक, उसमें कुछ आहो जारी थी, निश्चर के बस में फंसी हुई। सागर वह जनक दुलारी थी, निश्चर के लोचन लाल लाल ज्वाला बरसाते जाते थे, इस ओर लजीले नयन सदा रसदार बहाते जाते थे। प्रभु क्या कहूँ, मेरी नजरों के सम्मुख निकल वह चोर गया, रह गए कुंडल नूपुर, यहाँ रथ सीधा दक्षिण और गया। प्रभु उन्होंने देख करके हम बानर भालुओं की तरफ कुछ आभूषण फेंके, आपकी आज्ञा हो तो मंगवाओ। दिखाओ सखा लाओ ताथ कहाँ है वो मंगारान तो धरदीना पटे होर लाए सोच अति कीना। ये सीता ये तुमने अच्छा नहीं किया, बहुत रोका था, बहुत रोका था मेरे साथ ना चले, तुमने भी मेरा साथ छोड़ दिया और ये सखा सुखदेव भी चला गया, सखा बन के भी भाग गया लक्ष्मण। आदरणीय प्रभु आप कुमार लक्ष्मण से पूछ रहे हो कि देखो एक कुंडल क्या तुम्हारी माता जानकी के है। हे दीन मन हे दीननाथ, मैंने तो चरण निहारे हैं, देखे हैं माता के काम नहीं, मैं दो चरणों का सेवक हूं, कुंडल की कुछ पहचान नहीं, पर नाथ सगुन ये अच्छा है, अरे खड़कर है तीर कमानों में, जल्दी ही वह दिन आवेगा जो कुंडल होंगे कानों में, अरे कुंडल वाली बैदेही का इस भात हरण करने वाले, अरे अब सावधान होकर रहना, आते हैं रण करने वाले। भैया धैर्य को धारण करें, माता जानकी का सीक्रेट पता लगा। सखा सुग्रीव कहाँ गए थे, ये क्या है, बार बार छुप जाते हो, प्रभु बात क्या है, कुछ नहीं सब ठीक है, तुम तो उस गुफा को छोड़ ही नहीं रहे, क्यों डरते हो, बात क्या है, जब से हम तुम्हारे मित्र बने तुमको उदास ही पाते हैं, चिंता में डूबा देखते हुए हम भी चिंतित हो जाते हैं, छुपकर पहाड़ पर वहाँ छुपते हो बार बार, बात क्या है, ऐसी बात है भगवान, क्यों छुपके रहते हो बताओ, ऐसो ही हाल अपनो है, जैसो आपको है ऐसो ही अपनो है, बताओ। नाथ वाल अरु में दो भाई प्रीत रही कछु परन न जाई। प्रभु हम दो भाई हैं बाली और सुग्रीव, दोनों में बड़ी ही मित्रता थी, अचानक किसी कारण बस दोनों भाइयों में विद्रोह हो गया और बाली ने हमें मार के इस पहाड़ पर निकाल दिया, निकाल ही नहीं दिया इतना मारा, हमारी पत्नी को भी छीन लिया। प्रभु इससे मैं दुखी हूँ। सुन सुग्रीव मारी हो बाल ये कई बार जय और क्या मित्र बना हूँ। सुन सुग्रीव मारी हो बाल ये कई बार ब्रह्म रुद्र शरणागत गए नवग्रह प्राण, ऐसे बाली को एक ही बाण से समाप्त कर दूंगा, चाहे भगवान शंकर के यहाँ जाए ब्रह्मा जी के यहाँ जाए फिर भी अब उसको मृत्यु दंड दिया जाए। वाह प्रभु क्यों बात क्या कछु नहीं बता बताओ बात क्या। आप ऐसे कह रहे जैसे हमो भाई बाली को
कोनो छिज्जा मुखज्जा होए। आप कह रहे कि हम मान जा रहे हैं, प्रभु हमें विश्वास है कि आप मार दो, लेकिन फिर भी मैं जिसके भय से गाय बना, गाय हाँ गाय बने सांड है काम, तुम गाय हो, गाय गज्जे ही समझो आप, आदमी भली है लेकिन है गज्जे ही, मैं जिसके भय से गाय बना, अच्छा वो ना गाय बना, आप ये समझ गए, दुर्दाई है, यद्यपि वो मेरा भाई है पर भाई नहीं कसाई है, लेकिन ये जो सात ताड़ के वृक्ष दिखाई दे रहे हैं, इन सात ताड़ के वृक्षों को, अरे जो एक बाण से धाएगा और तक्षक ने ये के रखा, ये पिता है बाली पर पाएगा, ये सात ताड़ के वृक्षों को, एक पेड़ ये भी खड़ा है साथ में, सातवें में ये भी सम्मिलित है, इस सात ताड़ के वृक्षों जो को एक प्रण से धाएगा, तक्षक ने के रखा फतिपाल पर, बिल्कुल बिल्कुल आप विलंब नहीं, हमने जो प्रण किया है हमें अति शीघ्र पूर्ण करना है, देखो देखो नवी अस्तु तो अलख राए इन प्रयास रघुनाथ गाए, बस विश्वास हो गया, आप बाली को मार देंगे, अब आप जल्दी जाओ बाली को मारो, हमें अति प्रसन्नता, सबसे पहले तो एक प्रण करो, अब गुफा की ओर नहीं जाओगे, बार बार गुफा की ओर जाते हो, छुप जाते हो, वहाँ नहीं जाओगे, अब नहीं है, बिल्कुल निश्चय है, निश्चय है, अब तुम्हें कहीं जाना है और कहीं जाना है, तुम्हें जाना है बाली के पास, क्या कह रहे हैं, सही कह रहे हैं, बाली नो हम के हैं, बाली के पास हम बिल्कुल नहीं है, जाना पड़ेगा, भगवान देखो वो हमें देख के नहीं मार डाले, सुनो हमारी बात सुनो, हाँ यद्यपि हमें नगर वर्जित है, अच्छा गांव वर्जित है, अरे गांव वर्जित, नगर में प्रवेश नहीं कर सकते, किसी की गांव में नहीं जा सकते, तो तुम्हें जाना है, जाओ बाली को ललकारो, और ललकारने के बाद सीधे मेरी ओर आना, हमने जिंदगी में ललकारने की तो छोड़ो, हम उनको ललकारे, और हमने अगर जय के नहीं के रे बाली, हाँ भगवान सुन तो नहीं मार डाल, अरे दूर से चलाना है, दूर से समीप से थोड़ी, हाँ आवाज लगाना दूर से, तो अगर वो टड़ो तो फिर हम भाग, तो मेरी ओर आना, यहाँ मैं ही मिलेंगे, ठीक भगवान में तो हम नाम ही है, लेकिन सुनो अब ये तो ऐसे भगवान में तो हम नाम ही है, भगे तो हम इतो के वो हमें छूना पे, लेकिन भगवान तुम ध्यान करियो, क्या तुम भक्त नहीं, भक्तन में अगर खजूर मारो मान तो ये सुनो हुए हम भक्त ही रहे हो, तुम देखते ही रहो, ऐसी भाषा का प्रयोग करना कि बाली तुम्हारी बात को सुनते ही तुम्हारा पीछा करे, ठीक कैसे करना है, कैसे करना है, बाली कर दे मेरा मकान खाली, अरे समझा ले भाभी, हाँ पर ना राण हो जाएगी, चलो ठीक है, तुम्हें जो भी कहना हो ऐसा बोलना कि वो तुम्हारा पीछा करे, हाँ हाँ ठीक है, हम ये सही बोले लेकिन तुम ध्यान करियो, हाँ जाए
पाल बेटे हेलो 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 स्वामी आप इतने व्याकुल भाई घबराए हुए युद्ध भूमि में जाना चाहते हो लेकिन ना आपको भली भांति एक बात का ज्ञात नहीं जिससे आप युद्ध करने जा रहे हो वो स्वयं नारायण से मिली हुई है उनसे संग्राम में काल भी नहीं जीत सकता हे नाथ इस समय ना लड़कर अरे समय करने जाओ पिया दिल मेरा बहुत ही दुखता है और मैं नहीं समझती और कारण पिया स्वामी एक स्त्री के लिए सबसे बड़ा गहना होता है उसका पति एक अच्छी पत्नी का कर्तव्य होता है अपने पति की हर आज्ञा मानना हे नाथ मेरे लिए तो आप ही मेरे सब कुछ हो यहाँ तक के भगवान भी आप हो ना और तुम ही मेरे मंदिर और तुम ही मेरी पूजा तुम ही देवता हो तुम ही देवता हो Oh,
जाओ ठीक है ना। भगवान बस ठीक है, बस तुमने विधवा दी कौन कहती अरे करवो हो रहा हो आपको
तुम्हारी कुप्पत पर मेरे बाजू लड़ते ही रहे, अरे तुम खड़े खड़े तकते ही रहे, मुझ पर मुक्के पड़ते ही रहे। सखा मारा है क्या भाई? अरे बहुत मारा है। कल पर सासु क्रीम शरीरा, वनवाकुल से गई सब पीरा। भगवान तुम्हारे हाथ में अस्पताल है? कुछ नहीं है, विश्वास है केवल। विश्वास है केवल? विश्वास से बड़ा इतनी पीड़ा थी, विश्वास से बड़ी कोई औषधि नहीं बनाई गई आज तक। अच्छा एक काम करो, फिर चले जाओ। अब ना जे हमारे माल, हरे राम। ऐसा करो अब नहीं जा रहे, मेरे सामने एक समस्या, बहुत बड़ी समस्या आ गई थी। का है? एक रूप भ्राता तुम दो, ते ही भ्रमते नहीं मारे उसे। एक ही सूरत के, एक ही सकल के। इधर सुन, बिल्कुल वास्तव में एक ही थे। इसको पहनो बहुत जल्दी। का है? अच्छा है, हार पहनता हो? हार आप बिल्कुल ही नहीं जा सकते। का है? इको नौ हार है, जीत का धरी अभी हार है, लेकिन जब ये तुम्हारे गले में पहन जाएगा मुझे यार बन जाएगा। चले जाओ जाओ। अच्छा देर ना करो, ठीक जाओ जाओ। अच्छा ये हार पहन जाए, ये तुम पर कवच समान रहे, कवच उसको भी हार का ध्यान रहे, मुझको भी कुछ पहचान रहे, ऐसा हार। सुनो अब की भी हम तुमसे एक बात कह रहे हैं। क्या? तुम तो धनुष पे बाण चढ़ा लीजिए। अच्छा और छोड़ दीजिए, चाहे बाली मरे चाहे सुग्रीव मरे, दो में से एक मर जाए तो टंटा तो मिटे। नहीं ऐसा नहीं होगा, जाओ विश्वास से जाओ। ठीक ठीक जा जा। कहा जे तुम्हें घरे नहीं आना, वर्दी खेल के आई, वर्दी खेल के बजे थे 2 बजे तक फिर सच नहीं आए। ठीक तुम मोर भग जाते तो हम बंद कर देते। ए पाली कर दे मेरा मकान खाली, पीले छाए निकल, भाभी अब की बार समझा लेना वरना रावण हो जाएगी पूरी। जो तू जो आवा तू फिर आ गया कायर, तुम फिर आ गए, तुम फिर आ गए। उस बार भाग कर जान बचाई, अब दोबारा मुझे मधुर सूरत दिखाई। थापर दे दे मर के मानो, सकरे मेरा हक मुझको दे दे, मेरा हक मुझको दे दे, ना कुछ शिकवा ना कुछ लड़ाई, बात कही और आई, सिवाय हमारा गर्दी के कुछ काम नहीं। तेरे मरने में भी कोई शक नहीं, लातों के भूत बातों से नहीं माना करते, बिना डंडों के नहीं पहचाना करते। आजा आजा देखा जाएगा। आजा भगवान, ओ भगवान, ओ ओ धोखे से मुझको किसने बाण मारा है, धर्म हेतु अब तरे गोसाई, मारह मोर ब्याग की नाही, मैं बैरी सुग्री प्यारा, अब कौन कवन नाथ मोह मारा, होकर सुकृत के संरक्षक तुमने ही उसे उबारा है, इन वृक्षों के पीछे छुप कर क्या मुझे तुमने मारा है, सचमुच है मेरा भाग बड़ा, घर बैठे जग बंधन आए, भाई के कारण मैंने भी समदर्शी के दर्शन पाए, श्री मुख से जो कुछ शब्द हुए
सचमुच उपयुक्त समय के हैं। अब कुछ मेरे भी पक सुनो जो टूटे हुए हृदय के छल से बैरी का पद करना सूरवीर का कर्म नहीं। चुप कर जो मेरा प्राण लिया रघुवंशी का धर्म नहीं। बाली कहो भगवान बाण तो मैंने ही मारा है लेकिन मारा सामने से है छिप कर नहीं मारा ओठ से मारा है सामने से मारा है। ये मृत्युलोक है सत्यता यही है जो आया है उसे जाना पड़ेगा। मैं नहीं जानता था अब तक कि है वाली तू कितना है यू बातें कुछ हो जाने पर समझा हूँ कि कितना है तुम्हें जाना तो निश्चित है जो कुछ इच्छा हो मांग वाली। तो भगवान ठीक है जची मुझे यह बात संगारा ही किस लिए यह हो जाए ज्ञात। सुग्रीव हमारा भाई है भाई भाई हम दोनों समदर्शी की तो नजरों में चाहिए सम दोनों। सुग्रीव मित्र बाली शत्रु ये कैसा न्याय विलक्षण है हे रघुकुल के नायक उत्तर दे बध करने का क्या कारण। बाली मरे नहीं हो अभी तुम जीवित हो जो कुछ इच्छा हो मांग बाली बतला मैं तुझको क्या कर दूं अचल कर दूं। नहीं धोखा खाया आपने सुनिए करुणायन मैं ला सकता था सिया से किंतु बंद हो रहे नैन। सुग्रीव मित्र का तो प्रभु ने मिलते ही कष्ट मिटाया है उसके बदले पृथ्वी पर से बानर प्रतिबाल मिटाया है। अब खुद देखोगे सीता से सुग्रीव कब तक मिलाता है या ध्यान रहे प्रभुता पाकर सज्जन दुर्जन हो जाता है। निर्मल सुकंठ से यह आशा वह सीता सुख का काम करे गीदड़ में इतनी शक्ति कहा जो नाहर से संग्राम करे। हाँ मुझसे पहले मिलते तो प्रथम दिखला देता पापक की साक्षी ठर होती सीता से प्रथम मिला देता। मैं उसे खूब जानता हूँ जो उन्हें चुराकर भागा है मैंने तुच्छ अनाड़ी को छह मास काक में दावा है। अच्छा जो बीती बीत गई पकने से क्या है हो पूर्ण आपकी अवलासा बाली सदा को सोता है। भगवान कोई इच्छा हो तो बताओ मेरे पुत्र अंगद का हाथ हाथ में लो भगवान अब मुझसे और नहीं सहा जाता सेवक को आज्ञा दो भगवान। जाओ जाओ पठावा व्याकुल नगर लोक सर्वधा।